इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़। एडमिशन जारी। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर आजमगढ़ एडमिशन जारी। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। अब की बार गांव का मुखिया कौन होगा ये तो जनता ही तय करेगी। नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। हमारा विशेष कार्यक्रम प्रधान जी में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के तमकुहीराज ब्लॉक के ग्राम पंचायत बसडीला महंत में। जो हमारे ये तस्वीर देख रहे हैं ये बसडीला महंत में ये मठ है, जो यहाँ पे अभी एक दो माह पहले यहाँ पे फिल्म भी शूटिंग हुआ है, भोजपुरी दुल्हनिया आई बलिया में। तो हम इसी मठ के परिसर में हम मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में उनके गांव में कितना हुआ है विकास। बाकी इस मठ के भी बारे में हम यहाँ के लोग से ही जानेंगे, चूंकि यहाँ के स्थानीय जो लोग होंगे वही बता पाएंगे कि ये कैसा मठ है। चूंकि इस समय आप देख सकते हैं, कैमरामैन से भी ज़्यादा कहूँगा कि थोड़ा आप यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि ये किस तरह ये जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। और ये जो आप देख सकते हैं फाटक भी है जो वहाँ पे ताला लगा हुआ है। बाकी ये पूरी तरह से मकान कहे तो एक जो होता है वो जर्जर स्थिति में जो ये मठ है वो हो चुका है। तो हम यहाँ के लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में उनके गांव में क्या विकास हुआ है, अब की बार उनका मुखिया कौन होगा, 5 साल में जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल स्तर पर कितना प्रधान जी के द्वारा उतारा गया है, या इस गांव में यूं कहें कि विकास का पहिया कितना प्रधान जी के द्वारा दौड़ाया गया है या थमा है, ये तो यहाँ के स्थानीय जनता ही बताएगी। तो हम सीधे चलेंगे यहाँ के स्थानीय जनता के पास और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में उनके गाँव में क्या क्या हुआ है। संजय यादव। किस गाँव के हैं? ग्राम सभा। पंचायत चुनाव को लेकर आपके गांव में क्या माहौल है? हमारा घर माहौल ठीक ही है। अब की बार कैसा प्रत्याशी आप चयन करेंगे? अब की बार प्रत्याशी चाहिए जो हमारे ग्राम सभा में विकास करा सके, जो टूटी नाली भी हैं, सड़कें भी हैं, जो आगे चलेंगे तो रोड पे पानी भी, रोड पे जल जमाव है, उसको सही करा सकें, वैसे हम हमारे ग्राम सभा में प्रधान चुनेंगे। क्या नाम है तुझे आपका? शंकर भगत। बसडीला महंत में जो मठ है ये कैसा मठ है? मठ कम से कम 3 बीघा लगभग में हुई। क्या इतिहास है इसका? ठीक भाई, बड़ा इजात कुल बने बने कैसा मतलब? साधु लोग नहीं रहा, साधु लोग आए लो, 3-4 जना साधु रहता लो, और कुल बनवावे के बाद बनता। क्या इतिहास रहा है? अच्छा ही रहा, अच्छा ही बा। अच्छा, पंचायत चुनाव को लेकर आपके गाँव में क्या माहौल है? ठीक बा। 5 साल में आपके गाँव में क्या विकास हुआ है? विकास कितना हम बताएं, हम इतना बता के घूम नहीं पाइले, जंगल टूटल बा, बहुत कुछ काम हो गया बा। रामचंद्र कुशवाहा। 5 साल में आपके गांव में क्या विकास हुआ है? रोड बना है, थोड़ा कचरे के लिए जैसे नाली वाली पूरा सफाई करनी जैसे एक ही है, पूरा सफाई नहीं हो पा रहा है। अब की बार कैसा प्रत्याशी आप चयन करेंगे? 11 प्रत्याशी है उसमें देख करके एक तो प्रत्याशी चयन। कैसा प्रत्याशी आपको चाहिए? विकास चाहिए, जो विकास करने वाला, विकास करे, जैसे सबको एक जैसा देखें। आपके गांव का मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यही है कि वो बिजली का और कचरा नाली का जैसे सफाई नहीं हो पा रहा है, एक ही सफाई करनी है, इसमें 2-3 चाहिए। इंद्रावती। आपके गांव का मुख्य समस्या क्या है? सर, हमारे गांव का नाली साफ नहीं है, चकरोट भी है, उसे कह रहे हैं कि पास नहीं इस नाली का है, उस समस्या हम लोग फंस जाते हैं। हर बार कहते हैं कि इसका बजट नहीं आया है। 5 साल में आपके गांव में क्या विकास हुआ है? 5 साल में क्या विकास हुआ है? एगो तो लैट्रिन में कुछ भी नहीं हुआ, एगो लैट्रिन बना है, कुछ भी नहीं पास है, आवास भी नहीं मिला है, जिसके पास है उसका आवास नहीं मिला है। तो अब की बार कैसा प्रत्याशी आप चयन करेंगे? अब सर नया में चेंज होगा। कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? बढ़िया चाहिए, हम लोग जो हम लोग गरीब के माने। नाम है आपका? श्रीनिवास। किस गांव के हैं? बसडीला महंत। पंचायत चुनाव को लेकर आपके गांव में क्या माहौल है? ठीक है माहौल। 5 साल में आपके गाँव में क्या विकास हुआ है? तो मैं 2 साल में छोड़ दिया था, मुझे मालूम नहीं उतनी तरह से, लेकिन जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। क्या हुआ है आपके सामने, क्या दिखाई दे रहा है? जो रोड बनाया थोड़ी बहुत सफाई करनी है, कि अकेले काम तो इनसे होगा नहीं ना, कम से कम यहाँ 2-3 सफाई करनी चाहिए। गांव है बहुत बड़ा, अच्छा तो नाली नाली है। आपके गांव का मुख्य समस्या क्या है? हमारे यहाँ देखने के भी कोई समस्या वैसा नहीं है।
क्या नाम है आपका? नीरज कुमार भक्त। पंचायत चुनाव को लेकर आपके गांव में क्या माहौल है? माहौल ठीक है, सब लोग प्रत्याशी अपने अपने मैदान में हैं, अपने अपने फिजा पे अपने अपने लोग से जुड़े हुए हैं और वोट मांग रहे हैं। 5 साल में आपके गांव में क्या विकास हुआ है? जी विकास तो हुआ है, लेकिन सबसे मुद्दा हम लोग का सफाई का है। गाँव में जो आपके सामने है नारी, देखिए किधर भी जाइएगा तो आपको कचरा ही कचरा मिलेगा। सबसे मुख्य चीज़ ये है कि सफाई होगा, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहें कि सफाई अभियान चलाते हैं, तो सफाई अभियान होने के कारण हमारे गांव अगर सफाई होता तो बहुत बेहतरीन रहेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है, सफाई और बिजली। मुख्य समस्या क्या है इस गांव का? बिजली भी है, अगर एक बार बिजली कटती है तो 3-3 दिन नहीं आती है, और जो आती भी है तो बराबर उसका वोल्टेज नहीं रहता है, ट्रांसफार्मर का है, ट्रांसफार्मर का। अब की बार कैसा प्रत्याशी आप चयन करेंगे? जो गांव का विकास कर सके, जो एक भाईचारा बना सके, हिंदू मुस्लिम का एक एकता बना सके। हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो गांव में कोई विवाद ना करे और गुंडागर्दी ना कराए। गोपाल जी यादव। आपके गांव का मुख्य समस्या क्या है? हमारे गांव का समस्या है नाली है, रोड है, शमशान भूमि है, कब्रस्तान है। 5 साल में आपके गांव में क्या विकास हुआ है? विकास कोई खास हुआ नहीं है, थोड़ा सा कहीं चक्रोड वगैरह बन गया है, सीमेंटेड हुआ है, नाली वैसा ही है, शमशान भूमि भी वैसा है, कब्रगाह भी वैसा है। देखिए क्या करेंगे पब्लिक, इसके लिए हम भी आज इस साल आए हैं मैदान में अपने बहू को लेके, प्रीति यादव को, और आगे पब्लिक क्या करती है इसको। अच्छा, आपकी बहू इस समय प्रत्याशी हैं? हाँ, प्रीति यादव। मेरा गांव विकास पथ पे है और विकास होगा, इसी को लेकर के मैं चुनाव मैदान में हूँ। 5 साल में आपने क्या कार्य कराए हैं गांव में? मैं इंटरलाइन का कार्य बहुत जरूरी से ज़्यादा कराया हूँ, और शौचालय के मामले में जिले में पहला स्थान मेरा बसेला है। जो एक पुस्तक मेरे यहाँ का शौचालय बनेगा, सारी सड़कें हमारे यहाँ की गंदगी से मुक्त हैं, जो भी बीमारियाँ गंदगी शौच से होता था वो कहीं कुछ नहीं है, सारी हमारी रोड की रोड साफ है। मैं जहाँ भी गया हूँ सिटी बजा हूँ, सुबह 4 बजे सिटी बजा करके महिलाओं को दौड़ा करके पूरे गांव के रोड को साफ करा दिया हूँ। इसमें मैं DPRO का कार्यक्रम भी लिया था, अपने पास से सारा खर्च करके पूरे गाँव को मैं शौच से मुक्त कराया। और जो भी शौचालय बना मेरा एक पुस्तक चलेगा। ANM सेंटर है, वो ANM सेंटर समझिए कि एकदम खंडहर बन गया था, खंडहर में तब्दील था, उसको मैं उसका उद्घाटन नहीं हुआ था, उसके पहले ही उद्घाटन के बाद से उसका उद्घाटन हुआ नहीं, पूर्व प्रधान ने बनवाया था, उद्घाटन भी नहीं हुआ था और उसका लिंटर गिर गया था। मैं लिंटर उसका करा करके फिर उसको चालू कराऊँ, सारा क्लियर करके वहाँ ANM रहती है, शमशान की जगह उसको मट्टी डाल करके पूरा प्ले कराया। कब्रिस्तान की वही हाल है, सड़कें तो बहुत बनी हमारे गाँव में, कुछ सड़कें टूटी हुई हैं। टूटी हुई है तो 5 साल में पूरे गांव को मैं कैसे क्लीन दूंगा? मैं कोई विधायक तो नहीं, मेरा जो बजट आया मैं उसमें काम किया हूँ, फिर अगर जनता चाहेगी तो बाकी सड़कें भी बनेगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।